खबर बाड़मेर से है, जहां पर पुत्र मोह की संकीर्ण मानसिकता का मामला सामने आया। आपको बता दें कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बालूतरा में कार्यरत एक महिला व्याख्याता को ससुराल पक्ष ने घर से बेदखल कर दिया, जिसे लेकर पीड़िता ने पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ महिला के पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। लेकिन अब महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि न्यायालय से निवेदन कर फाइल को पुनः मंगवाया जाएगा और एक बार फिर से उस पर अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मेरे पति ने और ननन और ननन की बेटियों ने, जेठ और जेठ के लड़कों ने मारपीट करी, जान से मारने की कोशिश करी। मैंने महिला थाने में एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन वहाँ पे अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोग आराम से घूम रहे हैं। 10 मिनट में अगर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आता तो शायद वो मुझे खत्म ही कर देते। महिला ने आज परिवार दिया कि उसके पति और ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और मारपीट का उसके आरोप थे। ये तथ्य आज जब भी मैंने पता किया तो उनके पति के विरुद्ध पुलिस ने चालान करके फाइल कोर्ट में पेश कर दी है। इनका ये कहना था कि इनके सास ससुर और अन्य जो ससुराल वाले हैं वो भी इन्वॉल्व थे। चूंकि फाइल अब कोर्ट में पेश हो चुकी है, इसलिए वहाँ एप्लीकेशन लगाने से ही फाइल पुनः मिल सकती है।